हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मोहम्मद सब के लिए पार्ट 15 पे। हमने 14 पार्ट ऑलरेडी कर दिए, उनके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उनको भी, जो आपने पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो। फिलहाल हम 15 पार्ट को, पार्ट 14 तक, अभी फिलहाल हम 15th पार्ट को रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपना। और हमने 14 के 14 पार्ट, एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि हमने जिस तरीके से ये एक स्टोरी, एक हिस्ट्री टाइप बनती चली जा रही है और जुड़ती चली जा रही है, हमें मजा बहुत आ रहा है इसको सुनने में, इसके कहानी को बहुत अच्छी, और पूरी जीवन पे बनी हुई है, जैसा कि ये बताते हैं कि पूरे जीवन पे बनी हुई है, आखिरी पैगंबर की अपनी की कहानी। बाकी मोहम्मद सब के लिए पार्ट 15 पे है, आज देखते हैं कि क्या क्या बताते हैं। हालांकि लास्ट वाला मुझे याद है, हालांकि रिकैप करते हैं तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट कि वीडियो में भी क्या है वीडियो के अंदर, आज की कहानी कहां तक जाएगी। ओके, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 15वां हिस्सा यानी पार्ट 15 है। थोड़ा शॉर्टकट में हम रीकैप कर लेते हैं कि हमने 14वें हिस्से में यानी पार्ट 14 में क्या सुना। हमने सुना कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी किस तरह खुदा की इबादत में गुजरी और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अलग थलग होकर गार हिरा में जाकर कई कई दिन वहां पर गुजारते और मालिक कायनात को याद फरमाते। फिर हमने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां हुई, लेकिन बेटे एक के बाद एक इस दुनिया से रुखसत हो गए, और आपकी 3 बेटियों की शादी किससे हुई ये भी हमने सुना, और आपको कोई बेटा नहीं था तो आपने जैद बिन हारिसा को अपना बेटा माना और सबके सामने उसका ऐलान भी फरमाया। फिर हमने सुना कि मक्का में कैद पड़ा तो सब परेशान हो गए, चचा अबू तालिब की गरीबी और मुफलिसी का ख्याल करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला को अपने पास बुलाया और फिर अपने साथ ही रखा। चलिए अब आगे सुनते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हो चुकी थी और आप इस वक्त सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आपने बचपन और जवानी तो गुजार दी थी, लेकिन शुरू से ही आप खुदा की याद और उसकी इबादत में सारा वक्त गुजारते थे, और इन इबादतों ने ही आपके रूह को नूर और रोशनी से जगमगा दिया था, आपके दिल को नूरानियत और पाकिजगी से भर दिया था। वो सच्चाई और हकीकत आपको एक सच्चे ख्वाब की सूरत में नजर आई, यानी आपने एक सच्चा ख्वाब देखा जिसके बाद आप पर सारी हकीकत खुल गई। इस ख्वाब में आप पर यह बात भी खुल गई कि इस दुनिया की रौनकें, तफरीहात, इंजॉयमेंट और ये चमचमाती दुनिया सिर्फ एक धोखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहां के ऐशो आराम टेम्पररी और मिट जाने वाले हैं। आपने समझ लिया कि आपकी कौम सीधे और सच्चे रास्ते से हटकर अंधेरों और बर्बादियों की तरफ जा रही है। आपने समझ लिया कि खुदा सिर्फ एक है और उसकी खुदाई में कोई शरीक और कोई पार्टनर नहीं है। वो इस दुनिया का पैदा करने वाला है, वो हर आदमी को उसके किए का बदला देता है। अगर कोई शख्स जर्रा बराबर भी अच्छाई या बुराई करेगा तो वो खुदा उसको उसका बदला देगा। ये सच्चा ख्वाब आपको बार बार नजर आता, आपके सामने वो तमाम चीजें और सच्चाइयां आती चली जाती जिनकी आप तलाश करते थे, जिनकी असलियत को आप समझना चाहते थे। अब हक और सच्चाई आपके नजरों के सामने आ गई और झूठ और धोखा भी आपके सामने आ गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को जहां सुकून और इत्मीनान और नूर हासिल हो गया, वही आपका दिल खुदाए बुजुर्ग बरतर की कुदरत और बड़ाई से भी लरज उठा। बरसों तक सच्चाई को तलाश करने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पा लिया, अगरचे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया था,
लेकिन इन सच्चाई के राज खुल जाने के बाद जब आपने अपनी कौम पर नजर डाली तो आपका दिल खौफ और दहशत से कांप उठा। खुदाए ताला ने अपने प्यारे नबी पर फजल फरमाया, आपको उस रास्ते पर चलाया जिस पर वो लोग चलते थे जो खुदा की रहमत, मेहरबानी और करम के उम्मीदवार होते हैं। लेकिन आपकी कौम अंधेरों, गुमराहियों में भटक रही थी। उसको समझाने वाला कौन होगा, कहां से आएगा और कैसे समझाएगा? आपको हमेशा ये सोच रहती थी, इस वजह से आप हमेशा गमगीन भी रहते थे। तो वो ख्वाब आपके सामने सुबह की रोशनी की तरह आ जाता और आप बार बार उस ख्वाब को देखते जिससे वो सारे राज आप पर खुल जाते जो अब तक आपसे छुपे हुए थे। अब हमारे नबी पर वही नाजिल होने का वक्त करीब आ चुका था। इंसानियत की तारीख का आखिरी पन्ना पलटने वाला था। कुदरत के हाथ जुम्बिश करने वाले थे और खुदा की तरफ से एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जाने वाली थी कि आप सारे इंसानों को खुदा से डराएं, उन्हें सीधा रास्ता बताएं। जब ये सच्चे ख्वाब आपको नजर आने लगे उस वक्त से आपका दिल दुनिया से बिल्कुल उचाट हो गया था। आप हर वक्त तन्हाई में खुदा को याद फरमाते थे। उसके बाद रमजान का मुबारक महीना आ गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आदत के मुताबिक गारे हिरा तशरीफ ले गए और खुदा की याद में मशगूल और मसरूफ हो गए। जब घर वालों में से कोई खाना वगैरह लेकर गार में आता और आपको खैरियत से देखता तो उन्हें इत्मीनान हो जाता और घर वाले आपकी तरफ से सदका और खैरात भी करते और आपके लिए दुआएं हासिल करते। इस तरह रमजान के कई दिन गुजर गए। एक रात जब अंधेरा कपकपाने लगा जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी हो, यानी सहर होने को थी, बुराइयां पसीना पसीना हो रही थी, नेकियों का दौर शुरू होने वाला था, हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोकों से झांक रहा था, कायनात का जर्रा जर्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे हुजूर किसी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हो, बस इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है कि अचानक गार हीरा के अंधेरे में रोशनी हुई और एक फरिश्ता अचानक आपके सामने आ गया और वो फरिश्ता हजरत जिब्राइल थे। फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आते ही कहा, इकरा, पढ़िए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर रहे थे, खौफजदा थे। आपने जवाब दिया, आपने रिप्लाई किया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि हजरत जिब्राइल ने, यानी उस फरिश्ते ने आपको अपने सीने से लगाकर इतनी जोर से दबाया, इतनी जोर से भेजा कि आपका दम घुटने लगा। फिर उस फरिश्ते ने आपको छोड़ दिया, फिर कहा, इकरा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा आना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने दोबारा अपने सीने से लगाया और पहले से ज्यादा जोर से दबाया और भेजा और कहा कि इकरा, पढ़िए। फिर आपने वही जवाब दिया कि मा आना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर फरिश्ते ने तीसरी मर्तबा आपको सीने से लगाकर भेजा और फिर छोड़कर कहा कि इकरा, इकरा बिस्म रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लम अल इंसान मा लम यअलम, जिसका तर्जुमा है कि अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा किया और इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, और पढ़िए, आपका रब सबसे बड़ा करम करने वाला है जिसने कलम से सिखाया इंसान को जो वो नहीं जानता था। फरिश्ते ने जो आयतें पढ़ी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फौरन दोहराया। ये अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गोया छप गए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि अगर ये आयतें, ये पयाम किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ भी यकीनन रेजा रेजा हो जाता।
ये तो मोहम्मद रसूल अल्लाह की जात मुकद्दस थी, उनका पुरवकार और ताकतवर दिल था जिसने इसका बोझ उठा लिया, और हजरत जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, खुदा की तजल्लिया थी, मोहम्मद अरबी थे और गार हिरा थे। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि जो हमारे दिल पर नहीं गुजरी, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, उसकी तशरी, उसकी तफसील, उसकी डिटेल हम कैसे बता सकते हैं। वही नाजिल होने की कैफियत अल्फाज में कैसे बयां हो सकते हैं। यही वो मकाम है जहां अल्फाज का भी दम निकल जाता है, ज़बाने गुम हो जाती है, कलम कांप जाता है। हम तो बस इतना कह सकते हैं कि गार हिरा की तकदीर चमक गई, उसका जर्रा जर्रा रश्क तूर बन गया। आखिरकार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से डरते कांपते हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला यानी अपने घर तशरीफ लाए। जब आप गार हिरा गए थे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे, और जब लौटे तो मोहम्मद रसूल अल्लाह थे। सुभान अल्लाह। लेकिन आप पसीने से बिल्कुल भीगे हुए थे। आपने घर आते ही हजरत खदीजा से फरमाया, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको चादर उड़ाई, और हजरत खदीजा सोच रही थी कि शायद आपकी तबीयत खराब हो गई है, आपको बुखार हो गया है। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस हुआ, तबीयत थोड़ी हल्की हुई और आपकी घबराहट, आपकी कपकपी कम हुई, तब हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला ने पूछा, आप कहां थे और आपके साथ क्या हुआ? तो सवाल के जवाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा किस्सा सुनाया, जो कुछ देखा, जो कुछ गुजरा, जो कुछ सुना, सब आपने तफसील से अपनी चहेती बीवी हजरत खदीजा के सामने पेश कर दिया, और फरमाया, खदीजा मुझे तो जान का खतरा हो गया था। फिर हजरत खदीजा ने तसल्ली के वो जुमले हुजूर से कहे जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखे हुए हैं, जो कयामत तक आने वाले हर बीवी के लिए एक मिसाल और एक एग्जाम्पल है कि जब शौहर तकलीफ और परेशानी और मुसीबत में हो तो किस तरह तसल्ली दी जाती है, ढारस बंधाई जाती है, हौसला दिया जाता है। और ये बीवी, एक बीवी ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। हजरत खदीजा ने फरमाया, घबराए नहीं, ये तो खुशखबरी है मोहम्मद। खुदा की कसम, जिसके हाथ में खदीजा की जान है, मुझे यकीन है आप इस उम्मत के नबी हैं। खुदा की कसम, वो कभी आपको जाया नहीं करेगा, क्योंकि आप इंसाफ करते हैं, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करते हैं, आप हमेशा सच्ची बात कहते हैं, अमानतें अदा करते हैं, मुसीबत के मारों की मदद करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं, उनकी खातिर तवाजो करते हैं, नेक अच्छे और भले काम करते हैं, वो कैसे खुदा आपको जाया करेगा। हजरत खदीजा की ये तसल्ली भरे जुमले सुनकर आपको बहुत सुकून और खुशी महसूस हुई, आप मुतमईन हो गए। आपने हजरत खदीजा के इन तसल्ली और दिलासों की बातों पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद आप आंखें बंद करके लेट गए। यूं तो हजरत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे चुकी थी, मगर फिर भी उन्हें इस बात का ख्याल और डर लगा रहता था, जो आपके साथ गार हिरा में और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से जो बात हुजूर ने बताई थी। इस वास्ते हजरत खदीजा ने सोचा कि ये बात अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल से पूछनी चाहिए कि आखिर ये क्या मामला है, क्या माजरा है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वरका बिन नौफल के बारे में मशहूर था कि वो कई मजहबों के बारे में बहुत खूब जानते हैं। आज के लिए इतना काफी है, अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो अब ज्यादा लंबा हो रहा है। हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में सुनेंगे कि जब हजरत खदीजा वरका बिन नौफल के पास मिलने के लिए गई तो उन्होंने क्या कहा, और जब वरका बिन नौफल हुजूर से मिले तो क्या बातचीत हुई,
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दोबारा इंतजार क्यों करने लगे, और फिर कब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा आपसे मिले, और फिर क्या हुआ, वो इंशाल्लाह हम 16वें हिस्से में यानी पार्ट 16 में बनाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही अच्छी थी, पार्ट 15 को हमने पूरा देखा है, आपको भी दिखाया है, और ये अब कहानी देखो आप बहुत ही आगे बढ़ती जा रही है कहानी, ये 40 साल के हो गए हैं, और इसके पति को दुनिया ने मतलब क्या क्या कहा था, फिर उन्होंने हजरत जिब्रील की बात थी, वाइफ ने साथ दिया, वो ही सिंपल बात है, वो अच्छी सी अच्छे से, और जब वो हजरत जिब्रील उनसे मिले तो वो जो वाकया हुआ था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अजीब था, मतलब फिर घर पे आए वो वापस, अब दोबारा आप देखते हैं 16 पार्ट में, जैसे कि कह रहे हैं तो आपको मतलब जो जो समझ में 16 पार्ट, अब ये हमें बता आप जी देख रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं 16 पार्ट में, कि आप हजरत जिब्रील का इंतजार कर रहे हैं मोहम्मद जी, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है, और ये किसी से मिलने के लिए भी जा रहे हैं आई थिंक, तो नबूवत का हिस्सा तो आई डोंट नो कैसा लगा, फिलहाल हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।